बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्वालिफाई बीएड के चैप्टर नंबर 8 का आज हम आखिरी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 103। द इम्प्लीमेंटर फॉर करिकुलम इज़, कौन लोग जो हैं वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोज आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 2002, the weightage allocated for the first two levels of cognitive domain. Cognitive domain के जो पहले दो level हैं sensory motor और pre operational, उसके लिए जो हिस्सा रखा गया है that is 50%. The source of achieving objectives, actions के जरिए objective हासिल किए जाते हैं. School curriculum is defined as experiences organized by schools. The part for the curriculum design to meet the needs of all students, जहाँ पे all students आ जाए that is called general education या general education. Curriculum construction should be the work of administrator, teachers and curriculum experts, pupils, What the child studies in the class is decided by the teacher. At elementary level, modern educators are in the favor of integrated curriculum. Integrated curriculum वो होता है जिसमें subjects जो हैं वो आपस में mix होते हैं। तो elementary level तक जो है वो ये integrated curriculum के हक में, मिसाल के तौर पर जो फ़र्ज़ करें जो साइंस है, आठवीं तक साइंस पढ़ाई जाती है वो integrated होती है। उसमें क्या होता है कि फिज़िक्स हो गया उसका पोर्शन, उसके बाद मैकेनिक्स का पोर्शन हो गया, बायोलॉजी का पोर्शन हो गया, बहुत सारे और पोर्शन वो उसी एक ही साइंस का हिस्सा होते हैं, तो वो मिक्स होते हैं एक ही किताब में। हायर लेवल पर जो है इससे आगे जो सेकेंडरी लेवल है इन पर जो फिर अलग अलग बुक्स चाय की जाती हैं, इनको अलग अलग कर दिया जाता है। करिकुलम इफेक्टिवनेस इज़ डिटरमिंड बाई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, ये इफेक्टिवनेस है। जजमेंट होती तो फिर हम इवेलुएशन लिखते। हाई स्कूल curriculum neglects individual needs. The present trend in the curriculum development is to place emphasis on both flexible and logical experiences. Curriculum is a word of Latin, ये लातीनी जबान का लफ्ज़ है. Who said curriculum is a written plan? Smith, Stanley and Shore. Curriculum designed in a statement. Design is a statement which identifies the elements of curriculum. Curriculum design वो एक framework होता है, वो statement होती है जिसमें जितने भी curriculum के parts या elements होते हैं उनको organize किया जाता है, जिस नौीयत पर या जिस base पर organize किया जाता है that is called curriculum design. हिल्दा तैबा बिलीव द curriculum should be designed by teachers. जी बिल्कुल, वो समझती थी कि टीचर जो है चूँकि वो लोअर लेवल पर इंटरेक्ट करता है क्या नाम है स्टूडेंट्स के साथ और उसका उसकी नीड्स से आशना होता है, उसकी ज़रूरियात से आशना होता है, तो टीचर बेस्ट जज कर सकता है स्टूडेंट्स के माहौल को, उनकी नीड्स को। इसी वजह से उसका जो करिकुलम मॉडल है वो भी नीड बेस्ड है और नीड्स से ही शुरू होता है। द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द डिवेलपमेंट ऑफ करिकुलम दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, क्योंकि जो करिकुलम बनेगा वो उसकी जो चार फाउंडेशन है उसका कॉन्टेंट वहीं से लिया जाएगा। कैसे इफेक्ट करेगा, मिसाल तौर के तौर पर एक सोसाइटी है, अब जिस तरह सोशोलॉजिकल एम्स हैं, ठीक है, तो सोशोलॉजिकल एम्स में क्या होगा, हर सोसाइटी जो है वो उसके अपना अपना कल्चर है, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो अपने अपने कल्चर, नॉर्म्स और ट्रेडिशन से ही करिकुलम का सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ड्रा करेगी। इसी तरह फिलोसॉफिकल में नीड्स और इंटरेस्ट और टीचिंग मेथड ड्रा किया जाता है, तो वो भी हर तबके का, हर मुल्क का अपना अपना होता है, तो वो उसी को बुनियाद बनाकर जो है सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह फिलोसॉफिकल नीड्स जो हैं, फिलोसॉफिकल नीड्स में आइडियाज़ दिए जाते हैं, वो भी फिलॉसफी अपनी अपनी होती है, कोई किस फिलॉसफी पे बिलीव करता है, कोई किसी पे बिलीव करता है। इसी तरह चौथे जो है हिस्टोरिकल होते हैं, हिस्टोरिकल में हर नेशन के अपने अपने हीरोज़ होते हैं, अपना अपना कल्चर होता है, पास्ट होता है, बैकग्राउंड होता है, इंस्पिरेशंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, तो वही फिर अपनी अपनी हिस्ट्री से जो है वो ड्रा करते हैं। तो ये सारे जो फाउंडेशंस हैं वो करिकुलम के डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स ओवरऑल डिवेलपमेंट इज़ एम्फेसाइज्ड
इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, क्योंकि उसमें वो लर्निंग भी कर रहा होता है, मोटर स्किल्स भी होती हैं, सारा कुछ उसमें ज़्यादा सेंसेस इस्तेमाल हो रहे थे। मेकिंग वैल्यू जजमेंट करिकुलम इवेल्युएशन, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम्स आर हिस्टोरिकल भी हैं, इकोनॉमिकल हैं, साइकोलॉजिकल भी, ये तीनों भी शामिल हैं, साथ में सोशोलॉजिकल भी होती है। तो जहाँ पर चूँकि ऑल ऑफ अबव का भी ऑप्शन देना था। एट स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डेवलप्ड बाय, एट स्कूल लेवल ये इख्तियार प्रिंसिपल सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक प्रोविंशियल मैटर बन गया है 18वीं तरमीम के बाद। तो हर सूबा जो है वो अपना अपना करिकुलम डिज़ाइन करता है। साइकोमोटर डोमेन डील्स विद, साइकोमोटर अपनी हैंड्स पर फोकस करती है, बॉडी मूवमेंट्स पर प्रैक्टिकल स्किल आ गया। मॉरल डिवेलपमेंट ऑफ लर्नर इज़ लिंक्ड, मॉरल डिवेलपमेंट जो है वो इफेक्टिव डोमेन, यहाँ पे ई की जगह ए होना चाहिए, इफेक्टिव अफेक्टिव डोमेन होता है लफ्ज़ असल में, बरल अफेक्टिव या इफेक्टिव डिवेलपमेंट होगी जिसमें मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाई जाती हैं। इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ द कॉन्टेंट सेलेक्शन, द कॉन्टेंट इज सेलेक्टेड बाई एनालिसिस ऑफ द एक्सपीरियंस। इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज डिवीजन ऑफ नॉलेज। सब्जेक्ट सेंटर्ड में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या नाम है, करिकुलम को कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है, यानी कि उसको डिवाइड किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को तकसीम किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज डिटरमिन्ड बाय, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा फिलॉसफी ड्रा करती है, नीड्स और इंटरेस्ट हमेशा साइकोलॉजी ड्रा करती है, फिलॉसफी हमेशा ऑब्जेक्टिव देती है करिकुलम को। कॉग्निटिव डिवेलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटल डिवेलपमेंट, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एक्चुअली यूटिलाइज बाय द स्कूल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड करिकुलम। अ लिस्ट ऑफ टॉपिक, हम पहले इस पर बात कर चुके हैं, लिस्ट आ जाए, लिस्ट ऑफ टॉपिक का जो कीवर्ड है दैट स्टैंड्स फॉर सिलेबस, डिटेल का लफ्ज आ जाए तो फिर कॉन्टेंट होता है। कॉन्टेंट इंक्लूड्स, कॉन्टेंट जो है दैट इंक्लूड्स नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, कॉन्टेंट में सब कुछ शामिल होता है, बुक का जो रिटन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंट। ये ऊपर जो है कोर्स, कोर्स जो है वो डिटेल होता है, सॉरी सिलेबस के साथ कोर्स जो डिटेल होता है। द प्रोसेस इन विच वी डिसाइड हाउ वेल हैव डन वट एवर वी आर ट्राइंग टू डू दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन। हु इज़ नॉट द करिकुलम एक्सपर्ट, ये सारे हैं सिवाय एल आर गे के। कॉग्निटिव थ्योरी प्रेजेंटेड बाय जॉन प्याजे, गोल्स प्रोवाइडेड गाइडेंस इन सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए जिस गोल को हासिल करना होगा ऑब्जेक्टिव्स भी उसी किस्म के तश्कील दिए जाएंगे। टीचिंग्स एंड लर्निंग कंबाइंस टू मेक करिकुलम। स्कूल वाइड आउटकम्स मे बी क्लासिफाइड अंडर गोल्स, स्कूल के लेवल पर जो है वो गोल्स होते हैं, सब्जेक्ट के लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और नेशनल लेवल पर एम्स होते हैं। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल, स्कूल एंड सब्जेक्ट लेवल। द करिकुलम इज़ अफेक्टेड बाई द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर होते हैं, रिलीजियस भी, गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी, सारे। द टर्म रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएशन इवेल्युएटिंग दैट इज करिकुलम डेवलपमेंट। जितना भी करिकुलम का प्रोसेस है, ये मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, जितना यानी कि उसके करिकुलम डिज़ाइन से लेकर उसकी फिलॉसफी, फाउंडेशन से लेकर उसकी इवेल्युएशन, ये सारा जितना करिकुलम पर वर्क होता है, इस पूरे प्रोसेस को जिस अम्ब्रेला टर्म से सिग्निफाई किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड करिकुलम डिवेलपमेंट, टोटल प्रोसेस, ये करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है। करिकुलम डिसीजन इज अफेक्टेड बाय एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज, वर्थ, सब जो है वो इसको इफेक्ट करेंगे। विच ऑफ द एविडेंस आर यूज्ड इन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, जजमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, स्टूडेंट्स लर्निंग, ऑल ऑफ दीज। द नेचर ऑफ एम्स इंडिकेट्स दैट दे आर बेसिकली फिलोसॉफिकल। What type of curriculum is the syllabus? Syllabus जो है दैट इज़ रिटन, कॉन्टेंट किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। A school curriculum is best defined as the organized people experiences set by the school. The major purpose of co-curricular activities is help students achieve a well-adjusted personality. The most important element in instruction is the relationship between the teacher and the student. A program of activities which is designed to attain certain educational needs that is called educational program according to Bloom's taxonomy of educational objectives. The psychomotor domain deals with
साइकोमोटर जो है दैट डील्स विद बॉडी मूवमेंट या मोटर स्किल्स के साथ। द करिकुलम कॉन्टेंट शुड सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी, इंटरेस्ट, बैलेंस एंड ब्रेथ ऑफ डेप्थ, सारे एरियाज को जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। करिकुलम डिवेलपमेंट एंड रिविजन इज दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद जी करिकुलम कॉन्टेंट इज सेलेक्टेड बाई अप्लाइंग एज मैनी क्राइटेरिया एज पॉसिबल। उसके बाद जी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर विच रिजिस्ट द करिकुलम चेंज दैट इज टीचर। टीचर जो है वो ज़्यादा रजिस्ट करता है, वैसे भी चेंज एक आसान बात नहीं है। तो उसके साथ चूँकि जो टीचिंग स्किल्स होती हैं और जो एफर्ट होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं या टीचर का नॉलेज होता है, वो फिर कंपैटिबल नहीं रहता और वो फिर इससे इरिटेट करता है। टेक्स्ट बुक बोर्ड्स इन ऑल द फोर प्रोविंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक्स। द प्लानिंग सोर्स विच हेल्प्स टीचर्स इन इक्वेशन इस कॉल्ड करिकुलम गाइड। करिकुलम गाइड के ज़रिए जो है वो करिकुलम को फिर उसको जो है वो तरतीब दे जाता है, यानी कि मुख्तलिफ एक करिकुलम के मुख्तलिफ एरियाज को अटैक करेगा, उनको उनसे कॉन्टेंट लेगा। द वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विच आर हेल्ड बाई द इंटायर पॉपुलेशन। इंटायर पॉपुलेशन जब इंटायर का लफ्ज़ है, दैट इज़ ग्लोबल वर्ड, सो इट विल बी यूनिवर्सल। द टाइप ऑफ द करिकुलम विच होल्ड सेट ऑफ कॉमन लर्निंग इज कॉल्ड कोर करिकुलम। देखिए कोर करिकुलम वो होता है जिसमें बेसिक और फंडामेंटल मटीरियल दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही फंडामेंटल होता है, वो लाजमी होता है, तो स्पेसिफिक होता है और बेसिक होता है, तो वो लाजमी इम्पार्ट करना होता है। तो वो पार्ट जो फंडामेंटल हो और बेसिक हो, कम्प्लीमेंट्री हो, तो वो फिर कोर करिकुलम कहलाता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द करिकुलम इज एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। What provides guidelines for selection of contents? Objectives. देखिए जो ऑब्जेक्टिव सेट होगा उसको अचीव करने के लिए उसी किस्म का कॉन्टेंट तश्कील दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को जो है ना ऑनेस्टी सिखानी है। अब ऑनेस्टी सिखाने के लिए कॉन्टेंट भी वो तश्कील देना पड़ेगा जो ऑनेस्टी का मैसेज कैरी करता हो, जिसमें ऑनेस्टी का लर्निंग आउटकम निकल सकता हो। सो उसी किस्म का फिर कॉन्टेंट सेलेक्ट किया जाएगा। द करिकुलम विच रिड्यूसेज द नंबर ऑफ बुक्स, इंटीग्रेटेड करिकुलम, इसको हम पहले भी पढ़ा है कि जो बस्ता लोड जिससे काम होता है या वॉल्यूम ऑफ बुक्स काम होता है। द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ्स एंड द वीकनेसेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइड, दैट इज कॉल्ड करिकुलम इवेल्युएशन। द सिस्टम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इज ऑब्जर्व्ड इन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। फासलाती तलीम जो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की जा सकती है। That is enough for the moment. Keep watching. Allah Ta'ala aap kaha mein nasir ho. Allah Hafiz.